अभी स्टार्ट कैसे करते हैं इसको? मुझे स्टार्ट करना भी नहीं आता, तो यल करते हैं स्टार्ट इसको। आई, मैंने सेल कर दिया क्या उसको भाई? शिट यार, मैंने सेल। सो ऑल राइट गाइस, तो आज हम खेलने वाले एक नया गेम, एक नई शुरुआत, एक नए गेम के साथ। मतलब समझ सकते हो, ये गेम सिर्फ 800 MB का है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। इतने इससे ज़्यादा तो हमें एंड्रॉयड के गेम्स मिल जाते हैं, करीब करीब 2 GB 4 GB के गेम्स। पीसी के लिए इतने बढ़िया ग्राफिक्स के साथ ये गेम हमें मिलता है सिर्फ 850 से 870 MB के पास। तो देखने में गेम काफ़ी छोटा है बट काफ़ी मज़ेदार गेम है। इसमें कुछ इसमें ज़्यादातर एक्शंस वैक्शंस नहीं है जैसे हमने पहले खेला था स्नाइपर एलाइट की तरह। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी जाके देख लेना। और भी कुछ उसमें गेम के वीडियोस आने वाले हैं तो उसको भी धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। बाकी क्या, मैंने सोचा है गेम को थोड़ा ट्राई करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ही ली जाए। तो इसलिए मैंने गेम को डाउनलोड किया और फिर मैं शुरू करने वाला हूँ इस गेम को। तो बने रही, इस गेम में एक्चुअली क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली कार फॉर सेल, जैसे कि नाम के साथ पता है, जो जितने भी डीलरशिप्स होते हैं कार के, जो यूज्ड कार को लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट मतलब रिपेयर करके उसको मतलब सेल करते हैं मार्केट में। मतलब ऐसा ही एक अमेजिंग सा गेम है कॉन्सेप्ट इस गेम का। इसमें मज़ा इस चीज़ का आने वाला है क्योंकि मुझे थोड़ा कार्स के बारे में पता है, आपके भाई को थोड़ा सा पता है कार के बारे में, तो मैंने सोचा है गेम को क्यों ना ट्राई किया जाए, फिर हम अच्छी तरह से खेल लें तो मस्त हो जाएगा गेम फिर। तो अभी शुरू करते हैं गेम। तो मैं एक कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैंने गेम को लॉग इन करके बस मैंने नाम एक चेंज किया था, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ऑल राइट, अभी हम आ चुके हैं अपने गैरेज, सो विच इज़ किंग्स गैरेज। तो अभी गैरेज क्लोज है, तो अभी हम जाके गैरेज को थोड़ा खोलते हैं। तो बाकी आप थोड़ा सा देख सकते हो ग्राफिक्स वगैरह इसमें कुछ मस्त हैं, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में तो ठीक लग रहा है। मतलब HD ग्राफिक्स डाले हैं कुछ ना कुछ, ज़्यादातर इसमें रे ट्रेसिंग वगैरह कुछ तो नहीं है बट ग्राफिक्स तो अच्छे खासे हैं, तो प्लेएबल है। अभी हम ऑफिस को खोलते हैं, फिर ये रहा अपना ऑफिस, तो ये हम सभी चेंज कर सकते हैं। अभी ऑफिस तो बहुत गंदा हो चुका है, आई नो बहुत गंदा है ऑफिस, तो इसलिए ड्राइव अवे ये ग्रेट कार जस्ट फॉर 699 डाउन, मतलब क्या है ये। तो ये रहा अपना कंप्यूटर, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, वेबसाइट पे जाके अपना एक कार खरीदना पड़ेगा पहले। मतलब कार खरीदना नहीं, कार इसको यहाँ पे बेचते हैं। तो अभी हम चलते हैं कार खरीदने के लिए। देखो ना, अभी गेम शुरुआत है तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, तो अभी हम मुझे देखना पड़ेगा इसको। अभी कार हम खरीदने के लिए इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं, हम जाके नेबरहुड में खरीद सकते हैं या कार मार्केट पे खरीद सकते हैं या मतलब रेड पियर पे, इसमें पता नहीं मुझे क्या होगा। बट अभी चलते हैं फिलहाल हम नेबरहुड पे, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी गेम प्ले से मैंने देखा है तो उसमें नेबरहुड में ना बहुत सारे ऐसे सस्ते सस्ते कार्स मिल जाते हैं, फिर महंगे महंगे कार्स मिल जाते हैं। ओ तो पहले ही पहले हमें मिल चुकी है। ऑल राइट, हम जाके से पूछते हैं कि ये कौन सी कार है। मुझे लगता है ये मर्सिडीज बेंस की सी क्लास लग रही है, मतलब थोड़ा सा बॉनेट उसका ना एस क्लास जैसा है, तो एस क्लास है सी क्लास है पता नहीं। अगर मर्सिडीज बेंस की एस क्लास लगी तो बहुत महंगा प्राइस होगा, अगर सी क्लास है तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये रहा, हम इधर से देख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये एक्सपर्टाइज, ओ भाई ये तो मतलब 38 लाख, मतलब 38,000 डॉलर्स बता रहे हैं, तो अभी हमारे पास सिर्फ ये 7,000 डॉलर ही है, तो अभी हम यहाँ से कट लेते हैं। तो अभी हमारे पास नेबरहुड्स में बहुत बहुत अलग अलग से कार्स हैं। मैं क्या करता हूँ, इतना सस्ती वाली गाड़ी लेते हैं, मतलब इतना ऐसा महंगी गाड़ी लेके हमें कुछ करना नहीं है। मैं ये शायद ये गाड़ी मिल जाएगी मुझे, इसे पूछना है मैं क्या है इसका प्राइस। भाई ये गाड़ी कौन सी बता दे, पेजोट 4-5 क्लासिक 1983 मॉडल, वो भी 1,12,000 किलोमीटर चला चुके हैं, वो 1,12,000 चला चुके हैं, इसलिए 2,561। मैं एक्चुअली इस गाड़ी को खरीद लेता हूँ, मैं इस गाड़ी को खरीदता हूँ क्योंकि शुरुआत हम उससे करते हैं। फिर भी एक बार मैंने पिकअप ट्रक को देखता हूँ क्योंकि पिकअप ट्रक का ना मार्केट USA में ज़्यादा है, तो इंडिया में तो शायद नहीं है बट USA में ज़्यादा है। अरे ये पूरा गेम बेस्ड है USA के ऊपर, क्योंकि आप प्राइस भी देख सकते हो, 14,000 बोला भाई। भाई अगर सच में अगर ना 7,000 भी दे देता ना तो मैं सच में ये पिकअप ट्रक को खरीद लेता, क्योंकि 2004 मॉडल भी है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। देख सकते हो ये मेरे ख्याल से ये GMC की कुछ ट्रक है, GMC की ट्रक ही है इसलिए तो शायद इतनी मस्ती करें। तो चलो गाइस, अभी हम शुरुआत छोटे से ही करते हैं, मामूली एक पुरानी कार लेते हैं ताकि हमें उसको मस्त से। ABS है इसमें, TCS में यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, TCS देन टर्बो तो वैसे भी है 2,000। फिर मैं इसको थोड़ा बार्गिंग भी नहीं कर सकता अभी फिलहाल, तो बाय कर लेता हूँ, देखते हैं फिर। तो यू ब्रॉड कार, ठीक है अभी हम कार में एंटर कर सकते हैं, एंटर द कार पैनल चेकलिस्ट, तो ये अपना कार का पैनल है, तो ठीक है अभी हम एंटर करते हैं कार में।
तो यू विल सी ऑल द बटन्स रिलेटेड टू कार। यार ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी एल इंजन एग्जिट कार कैमरा, अभी स्टार्ट कैसे करते हैं इसको? मुझे स्टार्ट करना भी नहीं आता, तो यल करते हैं शायद इसको। आई, अच्छा ओ हो, मतलब कितना टाइम लगा दी इसको ऑन होने में। भाई 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 भाई, इसमें नॉस भी है गाइस इसकी। मैं थोड़ा कैमरा को चेंज करता हूँ ताकि ये कैमरा अच्छा लगे। इसमें नॉस है, मतलब एक बार डाल के देखूँ नॉस। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट रास्ता देखता हूँ, फिर हम नॉस डालेंगे, क्योंकि ये गेम थोड़ा सा सिमुलेटर है तो पूरा रियलिस्टिक पे ही बेस होता है। तो आई डोंट नो, अगर मैं नॉस डाल के कहीं पे जाकर ठोक दूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेगा। तो आर दबा के देखता हूँ मैं नॉस डाल। अब इसमें हम नॉस इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मेरे पास नॉस है नहीं। ब्रेक्स तो एक ही दम इसके, मतलब ठीक नहीं है ब्रेक्स। ब्रेक पैड ना पूरे घस चुके हैं ब्रेक पैड इसके, कि कोई बुला रहा है मैकेनिक को इसको, मतलब मैकेनिक का तो अभी हमें जाना पड़ेगा शायद। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं, मुझे पता नहीं शायद कहाँ जाना पड़ेगा। तो एग्जिट कार, एल इंजन, लो बीम, हाई बीम के दबाता हूँ, तो हाई बीम लाइट सब ठीक है चल रही है। अब रास्ता कहाँ है, मतलब हमें जाना कैसे है रास्ता की तरह? एग्जिट कार, तो ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अरे रुक जा भाई, मैं भी चलाने के लिए आया हूँ। ब्रेक्स इसके मतलब ठीक नहीं है, ब्रेक्स इसके ना बहुत ही गंदे वाले ब्रेक्स हैं। बाकी का ना कार तो चलाने में तो ठीक लग रही है, 1983 मॉडल होने के नाते भी इतने मस्त से मस्त ठीक है। ओ, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो, ये मतलब जाएगी। अच्छा इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं क्या? बाकी गाइस आई डोंट नो, एक ड्रिफ्ट वगैरह मार के देखते हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा ड्रिफ्ट करने, क्योंकि मैं आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स में मैं ड्रिफ्टिंग नहीं जाना चाहता हूँ। ओ स्पीड देखो इसका, मस्त से ड्रिफ्ट आ गया गाइस, मस्त से ड्रिफ्ट आ गया, मस्त से ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट तो काफ़ी मस्त आ रही है, तो उसके लगता है मैं शुरू में आई है 360 मारता हूँ मैं। 360 जिसको नहीं पता, 360 होता है वो ड्रिफ्ट को मतलब घुमा घुमा के जो ड्रिफ्ट मारता है वही। मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी यार गाड़ी है, मतलब 1983 के मॉडल होते हुए भी ये गाड़ी इतनी मस्त सी स्मूथ सी है। तो आई गेस अबे चल जाना पीछे, मतलब इसका इतने सेंसिटिविटी बटन से ना मुझे सर घूम रहा है, मैं करता हूँ इधर से। तो जाके हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सेल पे लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 4,000 ही गाड़ियाँ हैं। मैं क्या सोचता हूँ हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनाना सोचेंगे, क्योंकि गेम को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है अपने पास। ये रही P.504 क्लासिक रेड ऑन सेल, इसको हम इम्पोर्ट ये पे ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट फोटो, फोटो ही नहीं डाला क्या हमने कार पे? तो यहाँ पे हम प्राइस रखते हैं, मैंने लेके आया हूँ 5,000, मतलब 2,516। मैं इसको सेल करता हूँ, कुछ 1,000 रुपये का प्रॉफिट रखें, मतलब $1,000 तो हम रखते हैं 1,500 का डॉलर, देखते हैं कुछ क्या होता है इसमें। तो पुट इट ऑन सेल, यू कैन ओपन स्किल्स टू सी द प्राइस। ओके ठीक है, अभी पुट इट ऑन सेल, देखते हैं कोई आता है क्या, देखते हैं अपने गैरेज के पास। मैं अभी जाता हूँ बाहर हो सके तो। अरे मैंने गाड़ी को ऑन में छोड़ दिया क्या? मतलब पेट्रोल चला जाएगा भाई, मतलब डीजल चल जाएगा क्या? मतलब पेट्रोल डीजल क्या लगता है इसमें? शायद ही पेट्रोल ही होगा। अभी मैं कार के अंदर, अरे यार मतलब कार के अंदर नहीं जा सकता मैं। अबे शिट, मुझे इसको पहले जाके सेल से हटाना पड़ेगा, फिर मुझे इसको कार के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि मुझे लगे कि ये इसको हम सेल से कैसे हटाते हैं, सेल से कैसे हटा, रिमूव फ्रॉम सेल। ठीक है, अभी मुझे जाके उसमें लाइट्स ऑफ कर, अरे कोई आया था शायद यार, शिट शिट शिट, मैंने कुछ गलती कर दी इसमें। अबे यार शिट, अभी मुझे इसमें इंजन को ऑफ करने के लिए आई दबाना पड़ेगा, शायद हो गया।
कोई कस्टमर आके चला गया यार, मतलब अन्यलम हो गया वो, मतलब वेस्ट हो गया पूरा। अभी मैं एक करता हूँ, फिर हम जाएंगे कार को ऑन सेल पे चलेंगे, पुट इट ऑन सेल। हम प्राइस रखेंगे 3500, या हम रखते हैं 3600, थोड़ा सा बार्गिंग उसको भी करने दो, फिर हम पुट इट ऑन सेल करते हैं, देखते हैं। अभी 1,12,000 तो चल चुकी है कार, तो होपफुली देखते हैं। अभी मंडे 1 है, तो टाइम भी शाम के 5 बज रहे हैं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। अभी इसमें आपको अगर कुछ पता नहीं, तो हम इसमें बहुत ही गरीब हैं, बस हमारा छोटा सा एक गैरेज है। फिर इसमें मतलब गैरेज नहीं कहेंगे यार हम इसको, ना एक बड़ा अलग सा नाम दे देंगे, मतलब गैरेज ना ऐसा लगता है कोई रिपेयरिंग शॉप है ऐसा, बट हमारा तो डीलरशिप है ना, तो हम रहेंगे किंग्स डील्स या किंग्स डीलरशिप। आप मुझे कमेंट में बता दो नेम हम क्या रखें इसका, मतलब गैरेज तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं थोड़ा सा इधर पे चलता हूँ, पता नहीं इधर क्या है। ऑटो इलेक्ट्रिक सन ट्यूनिंग, ठीक है, हम कार को ट्यून भी कर सकते हैं। फिर इधर है ऑटो रिपेयर, फिर इधर है ऑटो पेंटिंग। अभी इधर कोई आ रहा है क्या? कोई भी नहीं आया। तो इधर है जैक जंक यार, जैक जैक, अगर कोई पता नहीं तो मेरा दोस्त का नाम जैक ही है, मतलब उसका वो ना मतलब फेवरेट नेम जैक है, तो शायद अगर वो वीडियो देख रहा तो कमेंट करता भाई जैक, ठीक है। तो इधर पे जंक यार है, कुछ भी मतलब खास नहीं है। इसमें गाड़ियाँ चोरी कर सकते हैं क्या? बिकॉज चोरी करके कमाना तो मतलब आई गेस नहीं होगा चोरी करना, क्योंकि अलो नहीं करता ना कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ चोरी करना। अभी कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई जा रहा है कार देखने, कोई जा रहा है। ओ, दो लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। तो मैं इससे पूछता हूँ पहले, ई टू टॉक। हे ब्रो, द कार इज यूजुअल 6,000, आई एम थिंकिंग 2,005, 2,271। मैंने इसको कितने में लिया था शायद, आई डोंट नो, फिर मैं इससे बात करता हूँ पहले कुछ। ओ, हमारे पास तो बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं गाइस। 3,600 टेक ए मिनट टू 2,969, ठीक है, ये तो ठीक है। अब फिर मैं इससे पूछता हूँ, मतलब हमारे पास बहुत ही कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा अगर सच में कभी भी आ जाए तो मस्त रहेगा ना। 2,600, वेट आई टेक ए मिनट। फिर ये 2,089, नहीं जा, मैं तू तू मत जा, तुझे तो मैं डोंट बाई पे डाल देता हूँ, मतलब तू इधर से निकल ले, कट ले, इतने कम में मुए मैं नहीं बेचने वाला हूँ, डोंट सेल, ठीक है, तू जा। अब तू मतलब 4-5 लोग मुझे किससे बात किया था, मैं किससे छोड़ रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर डू यू थिंक द प्राइस 2,314, ठीक है तू जा भी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ही अच्छी प्राइस मिली थी। वॉट वुड द प्राइस इज थिंग 2,569, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा था, वेट ए मिनट, 2,271, तू जा। अबे रात हो रही तो जल्दी लेना भाई, जल्दी लेना। तो ये ले रही है मिनट, तो 2,650, तू तू जा, मैं इसको भेज देता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा डील दे रहा था, ये मुझे अच्छा डील दे रहा था। 2,690, टू वो क्या 2,560 दी थी क्या? 2,690, मैं इससे पूछता हूँ ये क्या दे रखी आंटी, आंटी जल्दी बताना आंटी, रात हो रही जल्दी बताना आंटी, आंटी जल्दी बताओ, आंटी जल्दी बताओ। 2,653, तो ठीक है, इस मुझे इसमें इसके साथ थोड़े से डॉलर्स अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको भेज देता हूँ ये। आई एम लिविंग योर नाउ, मैं नो 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 भाई, तू इतना काम कर, तू कार लेके जा, तू कार लेके जा। वो ना कुछ घबरा गया था वो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब हाँ यार कुछ इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, तो बस 200-300 का ही प्रॉफिट मिला, तो अभी हम चलते हैं घर क्लोज करके। अभी मैं आपको ना मेरा बहुत ही मस्त शीश महल दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे कस्टमर्स आए थे मेरे पास, तो सीरियसली इट्स अमेजिंग, अगर इतने सारे कस्टमर्स कभी भी आ जाए तो मस्त रहेगा। ट्रैवलिंग टू होम, तो ठीक है, ये बर्गर का कुछ ऐड चला रखे हैं, तो मैं ऑफिस इज क्लोज। तो ये रहा अपना कंटेनर, कंटेनर में एंटर कैसे होंगे हम, कंटेनर तो इतना ठीक है, ओपन निकल रखा है, तो ई टू ओपन। तो हम जा करते हैं स्लीप पे। तो आज हम कमाए हैं सिर्फ $174, तो विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि पहली शुरुआत थी, तो मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर देखते हैं हम दिन के 1,000 रुपये भी कमा लेना, मतलब $1,000 भी कमा लेना, मस्त रहेगा अपने पास। तो अभी हम चलते हैं ट्यूसडे, तो ई टू ट्रैवल। अभी हम क्या करेंगे, गैस स्टेशन, कार मार्केट, कार मार्केट एक बार होके आते हैं गाइस। क्या पता कार मार्केट में बहुत सारे कार्स हो और हमें, ओ भाई मतलब मस्त से कार्स हैं, मस्त मस्त सी कार्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कार। ये तो लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो है, जो 1983 मॉडल थी, मतलब मस्त है, मैं इसको पूछ को देखता हूँ, आई गेस ये बहुत ही मतलब ज़्यादा पता है। 1975 मॉडल है, देखो मैंने बताया था 1983 में, 4,58,000। ओ
शायद मेरे दादाजी की जमीन बेचनी पड़ेगी मुझे इसको लेने के लिए। 4,68,000 भाई कौन, मतलब जुड़े आई थिंक 29,000, मतलब इतने भी मेरे पास नहीं है। मतलब ये तो BMW की 5 सीरीज से जो पुरानी वाली थी, और उसको मैं पूछ के देखता हूँ। BMW 5 सीरीज जो 1983 मॉडल, 1,08,000 शायद मैं ले सकता हूँ 8,000, बट अभी मेरे पास ना 7,600 ही पड़े हैं भाई। मैं तेरे पास से कार लेके जाऊँगा ज़रूर, बट अभी मेरे पास, मैं सच में BMW मतलब ले लेता हूँ। मैं ना एक्चुअल में लेता BMW, क्योंकि आई लव BMW, यू नो एवरी वन, BMW एंड लैम्बोर्गिनी और दोज माई फेवरेट कार्स, मतलब फेवरेट। ये मस्त है यार BMW, कौन सी है, कूपे वर्षन, मतलब मस्त है यार ये तो कार, दिखने में तो ठीक लग रही है। ये शायद ना BMW की जो वो फॉरेन में बिकती है, देखो वैगन टाइप की वो लग रही है शायद ये। इसको टॉक करके देखते हैं, मतलब इसको बात करते हैं। हाइड्यूड 24,000 बता रहा है भाई, तू रख ले भाई अपनी गाड़ी, तू रख ले भाई। ओ स्कोडा है इधर, मतलब स्कोडा स्लैविया है क्या, नवी वाली स्कोडा स्लैविया, तो इंडिया का मार्केट मस्त है इसमें तो। 36 भाई, इतने महंगे महंगे क्यों बजट। ये ट्रक तो उधर में मैंने भी देखा था, ये ट्रकों में शायद मतलब अपने पास प्रॉफिट नहीं है यार, मतलब सीरियसली। मैं वो BMW खरीदने की सोच रहा हूँ, तू 18,000 क्यों बोल रहा है बे, 18,000 का क्या डाल के रखा है इसमें। ये कार ना बहुत पुरानी लग रही है, उसका बम्पर डैमेज है, तो मैं एक बार इसको ए ब्रो, तूने मुझे ब्रो बोल दिया, तू चल हट लड़की, तू मुझे ब्रो बोल दिया। मतलब मुझे तेरे से कुछ नहीं करना अभी, तूने मुझे ब्रो बुला दिया तो है ब्रो, तू भी मुझे ब्रो बोल दिया। अभी मेरे पास पैसे हैं या नहीं वो सेकेंड, मतलब तू ऑडी R8 गाइस, ऑडी R8 में किसको नहीं पता ना, तो इसके साथ ना V12 इंजन आता है, काफ़ी मतलब V10 इंजन आता है इसमें, शायद V10 या V12, 23 मॉडल, 5,90,000, मतलब 6 लाख इसलिए बेच रही है वो, 23 मॉडल इसलिए। मुझे शायद कोई कार नहीं मिली, बट आई लव दिस कार, बहुत ही मस्त है, 5 सीरीज है 1983 वाली, तो अभी मेरे पास लेने के लिए। शायद मैं इसको बार्गिंग कर लेता, बट यू कैन नॉट ओपन द स्किल फॉर बार्गिंग, तो अभी मैं नहीं कर सकता यार। अभी हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो अपने औकात से बाहर है नो। अभी हम चलते हैं बस स्टॉप पे जाके हम चलते हैं, हम चलते हैं फिर से वही नैवा रोड, तो देखते हैं इस बार हमें कुछ अच्छी डील्स मिल जाए, तो अच्छी कार्स मिल जाए। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमें एक SUV मिली जो ऑडी Q5 लग रही है। हाँ, तो ऑडी Q5 है, तो SUV मतलब थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा ही बोलेगी है शायद, वो है इसमें GST सेक्शन। 8,000 मस्त ले सकता हूँ मैं, 8,000 को मस्त ले सकता हूँ, क्योंकि Q5 है, SUV है तो बिक जाएगी आराम से ऑडी Q5, बट 8,000 नहीं है। तो ये है कुछ टोयोटा की कुछ लग रही है गाड़ी है, मैं इसको बात करके देखता हूँ शायद शेल्वोरेट। अच्छा ठीक है, ये शेल्वोरेट की गाड़ी है, 2008 मॉडल, फिर मैनुअल पेट्रोल। 10,000 बोल रही है भाई, ऑडी Q5 से महंगी क्यों बता रही है तू, 2008 की है ये, शायद मॉडल अच्छा होगा। और फिर अभी मुझे ना तो सस्ती वाली गाड़ी देखनी पड़ेगी, तो ये है इधर सस्ती है, मिल जाएगी, मैं एक बार इसको पूछ के देखता हूँ। ओ भाई ये मस्त कार है, ये अगर किसी को नहीं पता तो इस कार का नाम है, मैं एक बार गेस करता हूँ, रुको मुझे इस कार का नाम पता है। ये है डॉट की डॉट चैलेंजर, चैलेंजर ठीक है, 15,000 की थी, मैं मस्त ले सकता था इस गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी 35,000 तक भी बिक सकती है। अभी मेरे पास ना कुछ एक ही गाड़ी बची है, मैं ये छोटी वाली सी जो 800 टाइप की है वही लेके चलता हूँ। 2005 24,000 चली है बस, 2,010 बोल रही है, तो ठीक है मैं ले लेता हूँ इसको। अभी मैं इसको जाके मैं ये एक लेता हूँ, फिर शायद अभी मेरे पास 5,000 ही बचे हैं, तो मैं कार लेके चलता हूँ अभी जाको इसको। इस कार को हम पहले क्या करेंगे ना, एक एक कार लेंगे फिर बेचेंगे, बस वही चलेगा इसमें। मुझे इसको थोड़ा सा ठीक भी कराना है, मैं इसमें थोड़ा रिपेयर कराता हूँ जैसे ये, तो अभी चलते हैं हम। इग्निशन ऑन, कभी कभी ना समझ ही नहीं आता इसको ऑन कैसे करते हैं, जाते कैसे वो, इसके शायद गियर बॉक्स में कुछ इशू हुआ है। ओ, मतलब इसमें पीछे अंदर आया। अबे यार यहाँ पे मस्त सी और फोर्ड मस्टैंग खड़ी थी यार, शिट, मतलब इतना बड़ा एरिया है क्या, तो मैंने देखा नहीं था फोर्ड मस्टैंग खड़ी थी। इधर भी एक ऑडी Q5 खड़ी है, फोर्ड मस्टैंग का प्राइस क्या होगा, मैं जाके एक बार देख के आता हूँ। फोर्ड मस्टैंग का प्राइस कुछ ज़्यादा ही होगा शायद, आई डोंट नो कितना होगा, बट कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब पूरे 15। ओ 34,000 ठीक है, चल फिर अपने औकात से बाहर है, बट ज़रूर लेंगे फोर्ड मस्टैंग भी लेंगे अपने भी। तीन एंटर कार, एंटर होना भाई, ये मैं डोर में कुछ इशू है क्या, ठीक है एंटर। ओ,
अजीब सा समझ आ रहा है। जब सोच रहे हो मतलब आप देख रहे हो कुछ साउंड अजीब सा आ रहा है इसमें। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा अपना डेस्कटॉप खोल लेता हूँ। बड़े यार गाड़ी बहुत ही मस्त है क्योंकि इंडिकेटर कब डाल दिया मैंने। ये सामने वरना जा रही है और 2009 तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। पीछे इसमें एक अच्छी चीज़ ड्रिफ्ट मतलब गाड़ी चलाने में अच्छी है यार ये। मतलब ड्रिफ्ट पा रही है कुछ अच्छा है तो स्पीड जा रही है। इसका टॉप को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसको टॉप चेंज करना मतलब ये रहा अपना मार्केट प्लेस। मतलब ना पीछे साइलेंसर देखो आप, पीछे साइलेंसर देखो आप। मुझे लगा टूट जाती है और एक्शन भी है मेरे पास। इंजन में कुछ दिक्कत आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या करते हैं इसको मुझे नहीं पता। अभी मैं थोड़ा सा निकल के पास जाता हूँ तो इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो 13% का डैमेज पीछे लगा है। पीछे शायद मैंने अभी लगा वो $578 कुछ रहा है। साले करते देखते फिर ठीक है। तो रिपेयर कर मैं जाके जंक यार्ड में कुछ देख के आता हूँ अगर कुछ काम की चीज़ मिले। मतलब एक कार मैकेनिक और ये गेम को ना मिला देना तो मस्त रहेगा गाइस। उसमें थोड़ा सा कार मैकेनिक में ना थोड़ा अच्छा है मतलब हम खुद रिपेयर कर सकते हैं बट इसमें वो रिपेयर करके देगा। ऑफिस इज़ क्लोज मार्केट प्लेस इज़ ओपन। नहीं तो ऑफिस क्यों क्लोज हो गया अभी 3 बज रहे हैं तो हम जाके ओपन करेंगे ऑफिस। तो पहले हम कार लेके चलते हैं। शायद मैंने कार को अभी क्या रहेगा भाई ठीक है रूफ हो रहा है तो होने देते हैं। ये बोल रहा है रूफ कर रहा है फिर ये नीचे कुछ मार रहा है हथौड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा है ये कुछ। ठीक है फिर भी 1 GB के हिसाब से 1 GB से कम है। हम जाके अभी ऑफिस खोलते हैं मतलब कार जाके खड़ाएंगे फिर ऑफिस खोलेंगे फिर इसको मैं इसको सोच रहा हूँ पेंटिंग भी कर दूँ क्योंकि पेंटिंग करूँगा तो कार देखने में थोड़ी नई नई लगेगी तो लोग लेंगे शायद। अभी हम चलते हैं। कार में एंटर होने में कुछ दिक्कत लग रही है। अच्छा मुझे थोड़ा दूर खड़ना पड़ता है। मस्त हो यार इस कार में ड्रिफ्टिंग मस्त है। सीरियसली मुझे ड्रिफ्टिंग से लिए बहुत पसंद आ रही है। ये कूड़ा पर फेंकेगा इधर रोकूं कैसे इसको ओ यार अभी लेके आया था अभी ठुक गई इसकी माँ का ना का नाटी सा काम तो ठीक है। कलेक्ट ट्रैश हम थ्रो करते हैं मतलब कलेक्ट ट्रैश थोड़ा सा गेम को ना समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ये गेम इतना सिंपल ही है तो उतना मैंने देखो फिर से कार को ऑफ नहीं किया। इसमें ना ऑटो ऑफ रखना चाहिए जब भी कार से चले जाए तो बंदा तो ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए कार ये वरना काम होगा पेट्रोल भी हो जाएगा फिर कार आन में रहेगी तो हम ऑफ नहीं कर पाएंगे जब भी हम सेल पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी बोलेंगे सेल पे है फिर जाके मस्त सा राउंड वाउंड मार के आ सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जैसे इंडिया में होता है। कॉफ्स अभी मैं लेके आया हूँ $2,010 पे। फिर मैंने इस पे लगाया है 5,578। मैं इसको थोड़ा सा मोटा प्रॉफिट पे बेचता हूँ 2,500 पे पड़ी है पूरी गाड़ी पे। मुझे इसमें बेचना है 4,500 पे। देखते हैं अगर बिक जाएगी तो ठीक रहेगा पुट ऑन ऑन सेल। तो अभी हमारे पास बिल्स में कुछ है मिस्टर ऑफिस बिल मेरे पास बिल्स कुछ भी नहीं है। फिर ये आ रही है रैंक। अच्छा ये बैंक है और कैश वैल्यू बता था ये बैंक ठीक है। अमाउंट इज रिफंड एज $1 वीकली पेमेंट ऑफ ठीक है जो अभी छोड़ो अभी हमारे पास लोन वगैरह नहीं चाहिए। बाकी का शाम बज रहे हैं कोई तो आ जाओ लेने के लिए कोई तो आ जाओ। अभी कोई क्यों नहीं दिख रहा तवीज का इतने लोग थे। ये घर भी खरीद सकता हूँ शायद मैं क्योंकि उधर पे ऑप्शन था मैं घर खरीद सकता हूँ बट अभी ओपन नहीं था ऑप्शन वो। बट अगर ये घर मुझे मिल जाएगा ना तो मुझे बस में जाके कंटेनर पे आने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
तो मैं चलता हूँ अभी थोड़ा दूर, क्योंकि इधर पे लोग आने दो। हम आज देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें ठीक है, तो हमें इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ऑफिस इज ओपन, द मार्केट प्लेस इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, अभी हमें वही चाहिए था। फिर इतने लोग इधर जा रहे हैं, तो कोई तो आ जा भाई, कोई तो आ जा। एक बंदा भी नहीं दिख रहा, मतलब एक कहीं काफ़ी अजीब लगता है ना, हम जाके कार को सेल करें, फिर अपने गैरेज के सामने खुद खड़े होके, फिर हम खुद मतलब वेट कर रहे हो बंदों का। तू क्या करता भाई, तू तुझे बात करते हैं। देर इज़ नो व्हीकल आई कैन रिपेयर, प्लीज़ पार्क योर कार इन अ मीटर। चल वे सारे ना, इसको मैं गाली दूंगा, क्योंकि यही है अपना जो रिपेयर करके देगा, वरना कार बहुत ही कम रेट में बिकेगी। इतने लोग इधर, कुछ लोग ही नहीं आ रहे। अभी हमारे पास $5,000 हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी 7 भी बच रहे हैं। एक बार ना एक राउंड मार के आता हूँ मैं कहीं जाके। कोई नहीं आया, मैं क्या करता हूँ एक बार ना फिर से मार्केट प्लेस में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी कार्स हैं, तो मस्त रहेगा। मार्केट प्लेस से नेबर रोड बोलते हैं उसे। ऑडी की वही Q5 खड़ी है। फिर ये रही अपनी, अबे अबे भाई कहाँ जा रहा है भाई, बस स्टॉप से दूर दूर इतने लोग। यहाँ पे भी कार खड़े होते हैं शायद, इसने कोई लगा नहीं। मैं क्या करता हूँ इसको पूछता हूँ प्राइस क्या है इसका Q5 का। अगर ये Q5 का प्राइस सेम 16-17 हज़ार होता, अरे इसमें तो स्पॉयलर लगा है, मैगवेल्स लगे हैं, फिर मस्त सी कलर की ये भी चढ़ी है, तो आई डोंट थिंक सो ये इतने कम में देगी। आंटी आंटी ओपन करना, आंटी ये क्या बोल रही है भाई, आई एम ऑफरिंग यू माई कार एट जस्ट 6,009। मतलब भाई मैं क्यों बन गया था उस कार को खरीद के बे यार, शिट, मैं ऑडी Q5 ले सकता था आराम से। सॉरी Q7 नहीं है, ऑडी Q7 2011 मॉडल, मस्त से। इसमें क्या लगे, व्हीकल विद डिफॉल्ट किट इंस्टॉल्ड कैन नॉट बी चीप, आई एम ऑफरिंग यू, मतलब आई एम ऑलरेडी सेट अ प्राइस एट अ कार नेगोशिएबल लेवल, सो आई डोंट वॉन्ट टू नेगोशिएट। भाई मतलब कार लेके चली भी गई है, शिट यार, मैं आराम से उसको उस खटारा कार को लेके, मतलब मैं ये ले सकता था शायद, इसमें थोड़ा जल्दी बिक जाती है, क्योंकि मॉडल नेम जुड़ा है ऑडी Q7, तो काफ़ी प्रीमियम 1 करोड़ की गाड़ी है इंडिया में, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो अभी हम चलते हैं अपने वहीं पे, अपना जो ऑफिस है, मैं चलता हूँ अपने ऑफिस, शायद कोई आया होगा उधर। अरे अरे आए हैं आए हैं आए हैं। मैं अगर ये मैं डाला हूँ कुछ समय अराउंड 3,000 कुछ पे, नहीं मैं डाला हूँ 4,500 रुपये। अगर ये 4,000 भी देते तो मैं दे दूँगा। द कार इज गुड, 4,500, 2,700। क्या सोच रहा होगा, इसमें 2,700 अगर दूँ तो इससे मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, मतलब मैंने उतने ही डाले हैं, वो उतने ही देगी, मतलब बिना प्रॉफिट के मैं बेच के, नहीं यार अपना घाटे का सौदा नहीं करना, मैं मुझे सेल नहीं करना, तो चलना। मैंने सेल कर दिया क्या उसको भाई, शिट यार, मैंने सेल कर दिया उसको यार, शिट। अबे मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस बंद करके, घर जा रहा हूँ, मैं घर जाके रो रहा हूँ। मैंने सोचा उसको सेल नहीं करना, फिर मैंने सेल कर दिया उसको। अबे शिट यार, जाओ अच्छा, तो पूरा लॉस ही चल रहा है। मैं जाके घर जाके सिर्फ सोता हूँ, अभी देखते हैं अगले दिन क्या होगा। तो मुझे वो खरीदनी है, मुझे ऑडी खरीदनी है। तो मेरा डोर ओपन ही है था क्या, मैंने डोर क्लोज ही नहीं किया सुबह। रिजल्ट $576, तो काफ़ी ठीक है यार, मुझे अच्छे अर्निंग मिले हैं आज, $576 तो ठीक है, इतना भी नहीं था। बट मैंने उसको सेल नहीं करना था कार को, मुझे और थोड़ा प्रॉफिट में बेचना था, बट फिर भी चलो ठीक है। फिर अभी क्या कर सकते हैं, जो अपने नसीब में होता है उतना ही आता। अभी मैं सीधा यहाँ से नेबर रोड चलता हूँ, क्योंकि मुझे वो वाइट वाली ऑडी Q7 खरीदनी है, अगर नहीं बिकी है तो। और यहाँ पे एक ट्रक भी रखा है, शायद से Q7 नहीं है गाइस। अबे शिट, अबे यार Q7 नहीं है। सो वेल ऑल राइट गाइस, आज का खेल हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज Day 3 है, तो हम ये कल खेलेंगे। क्योंकि अभी मैंने सोचा उस ऑडी Q7 को लेंगे, बट ऑडी तो है नहीं, तो मैंने सोचा अभी मूड ख़राब हो गया, तो चलते हैं गाइस, मतलब ये ट्रक देखते हैं बार क्या प्राइस का हवा। ऑडी Q7 अगर नहीं जाती ना, तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं मस्त प्राइस पे बेच सकता था। तो एक्चुअली असली वाले 5,000 में मिल रहा है ट्रक, आई एम ऑलरेडी द प्राइस, तो मैं क्या करूँ, खरीद लूँ क्या 5,000 में ट्रक, लेके मैं क्या कर सकता हूँ। डिलीवरी ट्रक है तो 2001 का है,
रेलवे ट्रैक में पैसे बनते हैं क्या? मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए खरीद लेता हूँ ये, फिर हम इसको अगले एपिसोड में बेचेंगे। मतलब आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मतलब बस उतना ही है आपके पास। चलो गाइस अभी मैं लेके ट्रक चलता हूँ उधर पे, फिर हम देखते हैं कुछ होगा तो।